तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो श्री गणेश जी का यहाँ पे कलरफुल डिजाइनिंग में एक आमंत्रण कार्ड है। अगर कुछ इस प्रकार से अगर आपको भी आमंत्रण कार्ड डिजाइन करने के लिए सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे वीडियो को एक लाइक करें और इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको फोटोशॉप में एक साइज लेना पड़ेगा। साइज लेने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे फाइल में जाना है और यहाँ पर आपको न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक न्यू का डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर आपको कस्टम पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे साइज आपको दिखेंगे लेकिन आपको यहाँ पे कस्टम में क्लिक करना है, तभी जाकर के आप अपने अनुसार साइज को ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे विडिट और हाइट दिख रहा है, तो विडिट वाले ये पिक्सल्स पे क्लिक करके इंच में सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और ये जो विडिट है, विडिट में आपको 3.5 इंच ले लेना है और इंच में आपको यहाँ से 7 इंच ले लेना है। रेजुलेशन यहाँ से आप 600 ले सकते हैं, मोड RGB में रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इनविटेशन कार्ड। ठीक है, इनविटेशन कार्ड हमने लिख दी। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अभी यहाँ पर हमारा साइज आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हो कि इस साइज में थोड़ा सा ये जो है कि ये इसका चौड़ाई कम है, तो इसका साइज को एडिट करने के लिए इमेज में जाना है और इमेज साइज पे चले जाना है और यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट प्रोपोर्शन पे जो टिक लगा है इसको अनटिक कर देना है और यहाँ पर आपको 4.5 इंच ले लेना है विडिट में, ओके करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि आपका ये साइज परफेक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेना पड़ता है, तो बैकग्राउंड आप यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड येलो, तो कुछ इस टाइप से आप लिख के सर्च करेंगे गूगल में तो बहुत सारे बैकग्राउंड आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड येलो कलर का मैं ले लेता हूँ क्योंकि गणेश जी का है तो येलो कलर बहुत ही अच्छा मैच करेगा। इस बैकग्राउंड को हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पे कॉपी इमेज पे क्लिक करना है। चले जाना है अपने फोटोशॉप में और यहाँ पर आपको कंट्रोल बी करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे ये बैकग्राउंड आ चुका है। उसके बाद इसको कंट्रोल टी करके सेलेक्ट कर लिया है, इसको बड़ा भी कर दिया, शिफ्ट को प्रेस होल्ड करके रखना है और कुछ इस प्रकार से इसको रोटेट कर देना है और यहाँ पर आपको पूरी फिल करके पूरे एरिया में और डबल क्लिक कर देना है, ये यहाँ पर आपका एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऊपर में ओम का हमें लोगो लगाना है, तो यहाँ पर चले जाना है आपको गूगल क्रोम में, यहाँ पर भी आपको टाइप करना है ओम लोगो, तो बहुत सारा लोगो आपको दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का रेड कलर का ओम लोगो आपको ले लेना है। सिंपली यहाँ पर भी हम कॉपी इमेज पे क्लिक करेंगे, फोटोशॉप में चले जाएंगे, कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपके पास एक ओम का लोगो आ जाएगा। कंट्रोल टी के माध्यम से इसको कुछ इस प्रकार से बड़ा कर देना है और बड़ा करने के बाद यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है इसको आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट में जाना है, कलर रेंज पे क्लिक करना है और व्हाइट कलर पे बैकग्राउंड पे सेलेक्ट करके ओके करना है। यहाँ से ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट बटन प्रेस करेंगे यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इसके बीच में यहाँ पे साइड से इसमें स्ट्रोक देना है व्हाइट कलर का, यानी कि एक ड्रॉप शेडो जो कि अच्छा लगे, तो उसके लिए आपको जाना है लेयर में, लेयर स्टाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ड्रॉप शेडो का ऑप्शन है, इसी को सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा इसको साइड में ले आना है और इस ब्लैक कलर को सेलेक्ट करके व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ऑपेसिटी 100%, ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई से नॉर्मल में कर देना है और उसके बाद साइज को बढ़ा देना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देना है, तो देख सकते हैं कि ये जो है सही से आपका एडजस्ट हो गया, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड इसमें फ्रेम देना है, तो फ्रेम देने के लिए आपको गूगल क्रोम में सर्च करना पड़ेगा, बहुत सारा फ्रेम मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि फ्रेम लिख के हमने सर्च किया है, देख सकते हो बहुत ही सारा डिजाइन में फ्रेम मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक सिंपली यहाँ पे एक फ्रेम यहाँ पे देख सकते हो ये हमने लिया है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी इमेज के ऊपर क्लिक करना है। चले जाना है यहाँ पर आपको अपने इस फोटोशॉप में और इस पेज में जाके कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पर आपके पास फ्रेम आ जाएंगे। आपको क्या करना है, कंट्रोल टी करना है, कुछ इस प्रकार से इसे बड़ा कर लेना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको ऊपर की ओर कर देता हूँ मैं और इसको भी खींच के नीचे की ओर कर देता हूँ मैं और डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका ये चीज़ें आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, इसका बैकग्राउंड को डिलीट करना है। ठीक है, बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए सिंपली आपको सेलेक्ट में जाएंगे, कलर रेंज यहाँ पे ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे 200 फ्यूजन इस कर देना है, ओके करना है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर लेना है, इन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे व्हाइट कलर में।
और डिलीट बटन दबाएंगे या ऑटोमेटिक यहाँ से आपका ये फ्रेम रहेगा और बाकी सभी चीज़ें ये आपका डिलीट हो जाएगा। तो आप इसमें ग्रेडियंट्स ऐड कर सकते हो, उसके लिए आपको चले जाना है लेयर में, लेयर स्टाइल, और यहाँ से ग्रेडियंट्स ओवरले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ग्रेडियंट्स लग चुका है। इसके बाद यहाँ पे इस ग्रेडियंट्स पे क्लिक करना है, बहुत सारे ग्रेडियंट्स आपको देखने को मिलेगा। तो कोई भी ग्रेडियंट्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे इसी वाले ग्रेडियंट्स को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पर आपको इसके बीच में यहाँ पे श्री गणेशाय नमः हमें लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एरियल टेक्स्ट ही लेना है और बोल्ड से लेकर के यहाँ पे बोल्ड में कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ श्री गणेशाय नमः। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कि श्री गणेशाय नमः हमने लिख दिया है। कंट्रोल टी की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद कंट्रोल टी करके कुछ इस प्रकार से इसको बड़ा कर देंगे और यहाँ पे इसका यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल, कलर ओवरले, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कोई भी कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कुछ इस प्रकार का कलर लेके ओके करता हूँ और इसमें थोड़ा सा स्ट्रोक लगा देता हूँ मैं, जो कि वाइट कलर का स्ट्रोक होगा। और यहाँ पे 5% का स्ट्रोक लगा के यहाँ पे ओके कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो श्री गणेशाय नमः हो चुका है। और इसको भी यहाँ पे मैं सेंटर कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिजाइन लग रहा है। अभी हम क्या करेंगे, तो अभी यहाँ पे एक गणेश जी का मैं लोगो लगा लेता हूँ। गणेश जी का लोगो इस कुछ इस टाइप का देख सकते हो, बहुत ही सारा मिलेगा। तो यहाँ पर आप जब गूगल में लिख के सर्च करोगे गणेश लोगो तो बहुत सारा लोगो दिखाई देगा। यहाँ पर फिलहाल मैं इस लोगो को उठा लेता हूँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके कॉपी इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं फोटोशॉप में जाके कंट्रोल भी करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका लोगो आ चुका है। इसको कंट्रोल टी की मदद से कुछ इस प्रकार से इसको बड़ा कर लेना है और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आपको डिलीट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। और जैसे ही डिलीट कर लेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से साइड से बैकग्राउंड डिलीट हो गया। अब ये बच गया हमारा वाइट बैकग्राउंड। इसको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट में जाएंगे कलर रेंज और बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है और ओके करना है और उसके बाद यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करना है कुछ इस प्रकार से, ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, कंट्रोल टी दबाना है कुछ इस प्रकार से, इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। जहाँ तक आपको एडजस्ट लगे वो चीज़ आपको कर लेना है कंट्रोल टी की मदद से और इसको सेंटर में कर देना है आपको कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लेके चले जाना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ नीचे में कुछ कंटेंट्स होते हैं, वो कंटेंट्स हम यहाँ पे फटाफट से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पे बेसिक से चीज़ें होती है वो हमने यहाँ पे टाइप कर दी है। तो आप इसमें चाहो तो जो भी चीज़ें हो आप यहाँ पर इसमें टाइप कर सकते हो, जितना भी अच्छे तरीके से आप मैटर लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमने इस टेक्स्ट को लिख चुके हैं, थोड़ा सा इसमें गैपिंग ज़्यादा हो गया है तो इसको यहाँ से हम गैपिंग को इस प्रकार से कम कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर इस टेक्स्ट को यहाँ पर आप चेंज वगैरह कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। उसके बाद यहाँ से इसका यहाँ पर टेक्स्ट को मोटा कर देंगे और उसके बाद ये हो गया। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा आपको नीचे कर देना है कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं श्री गणेशाय नमः लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि श्री गणेशाय नमः लिख दिया हूँ। आगे में यहाँ पे दो यहाँ पे ये वाला डैश दे देना है ताकि देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा आपको। और कुछ इस प्रकार से इसे सेंटर में इसे कर देना है। तो यहाँ पर अभी ये सेंटर में हो गया है। इसका यहाँ पे कलर मैं चेंज करता हूँ, इसका कलर मैं यहाँ पे लेयर में जाके लेयर स्टाइल में जाएंगे, कलर ओवरले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको येलो कलर कर लेना है। यहाँ से इसको जीरो करना है, ओके दबाना है, स्ट्रोक करना है और यहाँ से इसमें आपको कोई भी कलर लेके ओके करना है कुछ इस प्रकार से और यहाँ पे ओके दबाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो आप कि ये आपका श्री गणेशाय नमः हमने लिख चुके हैं। तो कुछ इस टाइप से आप बड़े ही आसानी से जो है कि आप श्री गणेशाय का जो है कि यहाँ पे लिख सकते हो। पे हमने श्री गणेशाय नमः का यहाँ पे इनविटेशन कार्ड बना चुके हैं, ठीक है, बड़े ही आसानी से, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीका से आप बड़े ही आसानी से इनविटेशन कार्ड बना सकते हो। अगर आपको इस टाइप का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और
कमेंट हमें जरूर करना अगर आप इसी टाइप का वीडियोस देखना चाहते हो। दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।